बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर एजाज हैदर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जो जो बीमार है अल्लाह पाक उनको सेहत दे, जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कास्नी के हैरानकुन फ़ायदे। दोस्तों कास्नी एक जड़ी बूटी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कास्नी को जो शख्स रात में खाकर सोएगा उसको किसी किस्म का जादू असर नहीं करेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जन्नत के पानी के कतरे कास्नी के पौधे पर ना गिरते हों। कास्नी का सदाबहार पौधा होता है जिसकी जड़ें लंबी होती हैं और इसके पत्ते हरे रंग के होते हैं। इसका जायका तल्ख होता है। इसके फूल जर्दी रंग माइल होते हैं और इसके बीज को तुखम कास्नी के नाम से जाना जाता है। इसके बीज सफ़ेद रंग के होते हैं। ये आपको पंसारी की दुकान से बासानी मिल जाएगा। कास्नी के अंदर ये सलाहियत पाई जाती है कि हाथों में जो मसावात फंसे होते हैं उनको बासानी खींच लाता है। ये पेशाबावर है। कास्नी को हम खून को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और सिफरा को तस्कीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिगर और मैदे के अमराज में इस्तेमाल किया जाता है। पुराने से पुराना कब्ज़ को भी ठीक करता है। पुराने वक्तों के ज़माने में कास्नी को बतौर कॉफ़ी भी इस्तेमाल करते थे। आज भी बहुत से ममालिक के जेलों में कैदियों को कास्नी की जड़ कॉफ़ी बनाकर कैदियों को पिलाई जाती है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। मसलन फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी जैसे अज़ा इसमें पाए जाते हैं और ग़िज़ाई सलाहियत इसमें 20 कैलोरीज पाई जाती है। इसके बीजों से तेल पाया जाता है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये जो वीडियो है, जो मालूमात है, आप लोगों को अच्छी लगती होगी या नहीं लगती होगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को पूरा गौर से सुना करें, देखा करें, ताकि आपको एक ही चीज़ समझ में आए। चलते हैं इसके तरीके इस्तेमाल की तरफ। कास्नी के पत्ते, इसका जड़ जिगर के अमराज के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कास्नी के बीज, जड़, पत्तों का पानी रोज़ाना 20 मिलीलीटर से 40 मिलीलीटर रोज़ाना पिया जाए तो जिगर के खराबी, सिफरा की ज़्यादती, यरकान इसका तिल्ली का बढ़ जाना, इसके इस्तेमाल से ये तमाम अमराज ठीक हो जाते हैं और पुरानी से पुरानी कब्ज़ को ठीक कर देता है। कास्नी के फूल का जोशांदा बनाकर पीने से कब्ज़ ठीक हो जाती है। कास्नी का पानी सांस के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कास्नी के साथ गाजर का जूस मिलाकर पिलाया जाए तो बहुत फ़ायदेमंद है। कास्नी ख़वातीन की हैज की बंदिश के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कास्नी के बीज का जोशांदा बनाकर इस्तेमाल करने से हैज़ की बंदिश का खात्मा हो जाता है। और कास्नी के पत्तों को बतौर सलाद भी इस्तेमाल करते हैं। इसका जो तल्खपन है वो ख़त्म हो जाता है सलाद के अंदर। इसकी खुराक 4 माशा से 6 माशा है। अगर मेरी ये मालूमात आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। डॉक्टर एजाज हैदर को इजाज़त दें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नए रेमेडी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।